नमस्ते, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। आज मैं ग्रेड थ्री के बच्चों के लिए कुछ ईवीएस वर्कशीट्स लेके आई हूँ। चल लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो पहला वर्कशीट है, राइट टू और थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो घर पे रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगल में रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहते हैं। तो इनका दो दो एग्जाम्पल हमें देना है। जैसे डोमेस्टिक एनिमल, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, बुफेलो हो गया, ये सब हमारे घर पर रहते हैं, तो इन लोगों को हम डोमेस्टिक एनिमल, इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल बोल सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो भी वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं हम घर पे नहीं रख सकते, उनका दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। और जो वाटर में रहते हैं उनका दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कोई भी स्टारफिश ले लो, या कोई पेंगुइन ले लो, कोई भी वाटरी एनिमल होता है, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो इसका हमें दो दो एग्जाम्पल लिखना है। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कुछ वर्ड्स दिया है, उसको यूज करके हमें ये क्वेश्चन आंसर फिल करना है। तो द एक्ट ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रैवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैवल। ऑलवेज यूज डैश क्रॉसिंग टू क्रॉस ए रोड, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो अब आप अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, जो हो गया उसको क्रॉस कर दीजिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यूज डैश एंड डैश ब्रिज फॉर सेफ क्रॉसिंग ऑफ द रोड्स, यूज सबवे एंड फुट ओवर। तो यहां पे मैं लिखूंगी सबवे एंड फुट ओवर ब्रिजेस फॉर सेफ एंड क्रॉसिंग ऑफ द रोड्स। देर आर डैश रिंग्स इन द ओलंपिक लोगो, देर आर फाइव रिंग्स। डैश इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इन इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ डैश, मेमोरी ऑफ ध्यानचंद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ध्यानचंद। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस रैंडमली बच्चों को दे सकते हैं। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कशीट पे। आंसर द फॉलोइंग, नेम टू फ्रूट्स विथ वन सीड। वन सीड में जैसे प्लम, पीचेस, एबकाडो, तो ये सारे फ्रूट्स हैं जिसका कि सीड्स ओनली वन है। यहाँ पे टू लीव्स यूज्ड एज मेडिसिन, तो क्या है, नीम हो गया, तुलसी। टू वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ, बहुत सारे वेजिटेबल्स में मैं टू लिख रही हूं, जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ये हम रॉ खा सकते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, देखिए आप यहाँ पे जॉइंट फैमिली लिख सकते हैं, स्मॉल फैमिली लिख सकते हैं, बिग फैमिली लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली लिख सकते हैं, कोई भी टू एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इन ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइन्स मीन्स स्टॉप, येलो लाइट्स मीन्स स्लो डाउन, और ग्रीन लाइट मीन्स गो। तो ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस देके सिखा सकते हैं। अभी आते हैं लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या है, फ्लावर है, तो यहाँ पे हमें लेबल करना है, लिखना है। ये क्या है, फ्रूट्स है, तो हमें यहाँ पे लिखना है। ये लीव्स है, ये स्टेम है, ये रूट्स है। तो ऐसे आप लेबलिंग के लिए बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दे सकते हैं। राइट टू और फोर, टू टू फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल्स एंड विविपोरस एनिमल्स। ओविपोरस एनिमल्स मीन्स दोज हू कैन ले एग्स, जो एग देते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, और विविपोरस मीन्स जो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं। जस्ट तो ओविपोरस एनिमल्स हम क्या बोल सकते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो बच्चे एग देते हैं, और विविपोरस मतलब दोज हू गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओविपोरस एनिमल्स जैसे हेन हो गया, ये अंडा देता है, एग देता है, तो हेन हो गया, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब ले एग मतलब एग देते हैं। विविपोरस एनिमल्स में क्या हो गया, कैट लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, काउ लिख सकते हैं, रैबिट, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, पैदा करते हैं, तो इनका हम नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन आंसर देने से पहले बच्चों को समझा दीजिए कि ओविपोरस एनिमल्स क्या है और विविपोरस एनिमल्स क्या है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेट ट्रू फॉर टिक एंड फॉल्स फॉर क्रॉस। क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नो फॉल्स। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। कुकिंग गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस फ्रॉम काउडंग, यस काउडंग से भी कुकिंग गैस प्रोड्यूस हो।
सकता है। मेंटल एक्सरसाइज इज सफिशियंट टू हैव साउंड हेल्थ? नो, मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज बोथ एक्सरसाइज इज यूज फॉर और वी कैन यूज फॉर साउंड हेल्थ। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ओनली मेंटल हेल्थ नहीं है। ऑयल लैम्प्स नीड इलेक्ट्रिसिटी? नो, ऑयल लैम्प्स नीड इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल लैम्प को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ऑयल से ही वो जलते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऐसे आप कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आंसर बच्चों को दे सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक वर्ड सर्च। तो मैंने कुछ कुछ फॉरेस्ट एनिमल, जू, एलिफेंट, डोमेस्टिक वाइल्ड, तो कुछ ऐसे सॉरी एनिमल रिलेटेड कुछ वो मतलब वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे हमें वो वर्ड सर्च करना है। अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट हम सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है तो हम ऐसे खोजेंगे कि कहाँ होगा ऐसे, तो हम देख सकते हैं कहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह कुछ। ई एल ई पी एच ए एन टी, हमें एलिफेंट मिल गया, तो इसको हमें ऐसे पहला वर्ड हमें मिल गया है। फिर नेक्स्ट हम क्या खोजें, जैसे डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक, तो इसको हमें ऐसे सर्कल करना है। एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट, तो इसको हमें ऐसे सर्कल करना है। तो ऐसे आप बच्चों को कुछ कुछ वर्ड सर्च के लिए दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सर्च किया है, आप अप टू डाउन भी कुछ कुछ वर्ड्स है जिसको हमें सर्च कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग, आर ब्रदर एंड सिस्टर, आवर ब्रदर एंड सिस्टर आर सिबलिंग्स, तो इसको हमें मैच करना है। फादर एंड मदर, हमारे फादर एंड मदर हमारे क्या है, पेरेंट्स है, तो इसको हमें मैच करना है। विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम क्या यूज करते हैं, वूलन क्लॉथ, तो मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखा है उसके रिलेटेड वर्ड यहाँ पे लिखना है, बस मैचिंग करना है। रेड लाइट इन ट्रैफिक सिग्नल, दैट मीन्स वी नीड टू स्टॉप। हेल्दी फूड बॉयल एग, बॉयल एग क्या है, एक हेल्दी फूड है, तो इसको हमें ऐसे मैच करना है। तो ये था हमारा ऑल द वर्कशीट्स। आई होप आप लोगों को आज का ये ईवीएस वर्कशीट्स वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।